हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये सुंदर सा बैग बनाएंगे। बैग में फ्रंट में एक बड़ी सी जिपर पॉकेट है, अंदर भी मैंने दो छोटे छोटे पॉकेट बनाए हैं जिसमें आप मोबाइल वगैरह या छोटा पर्स रख सकते हैं। इस बैग को बनाने में आधा मीटर कपड़ा लगा है। बैग का बेस 4 इंच का है और बैग की ऊँचाई लगभग 12 इंच है और चौड़ाई 16 इंच है। तो चलिए इस बैग को बनाना स्टार्ट करते हैं। बैग के लिए मैंने आधा मीटर कपड़ा लिया है, कॉटन का कपड़ा है ये। इसे हम बीच से फोल्ड कर लेंगे। लंबाई हमें लगभग 14.5 इंच लेनी है और चौड़ाई 16 इंच, 16 इंच पे मार्क करना है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बैग की चौड़ाई मैंने 16 इंच रखी है और जो ऊंचाई होगी वो 14.5 इंच है। तो इस तरह 16 इंच चौड़ा और करीब 29 इंच लंबा कपड़ा हमें लेना है। सबसे नीचे मैंने एक लाइनिंग के लिए कपड़ा रखा है, बीच में फोम है और ऊपर हमें कपड़े को रखकर इसके ऊपर सिलाई चलाकर इसे क्विल्ट कर लेना है। सिलाई चलाकर मैंने इसे क्विल्ट कर लिया है। अब बीच से फोल्ड करेंगे। इसके बेस की हमें कटिंग करनी है तो 2 इंच मैं ले रही हूँ। 2x2 का बेस बनेगा। एक बॉक्स हमें बनाना है, 2 इंच पे मार्क किया, दोनों साइड से हमें 2-2 इंच पे मार्क करके 2-2 इंच का एक बॉक्स बना लेना है। दोनों साइड इसी तरह से ड्रॉ करके हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर लेंगे। अब बैग के एक साइड अंदर में हम पॉकेट बनाएंगे। कपड़े को मैंने ऊपर से फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। अब सेंटर में इसे रखते हुए हमें 3 साइड से फोल्ड करके सिलाई करनी है। आप 2 पॉकेट बनाना चाहें तो बीच से सिलाई कर लेंगे तो ये 2 पॉकेट बन जाएगा। ये देखिए पॉकेट बन गया है। अब दूसरे साइड हम बाहर की तरफ पॉकेट बनाएंगे। दूसरे साइड मैंने 3 इंच पे मार्क किया है, 3 इंच पे मार्क करके मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। इस लाइन पे हमें कटिंग कर लेना है। जितनी बैग की चौड़ाई है उतनी चौड़ी हमें जिप लेनी है। जिप को कपड़े के ऊपर रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। अब जो दूसरा पार्ट हमने कटिंग किया था उसे जिप के दूसरे साइड हमें रखना है और इसे भी हम सिल लेंगे। जब भी हम जिप लगाते हैं तो उसके ऊपर हमें प्रेस स्टिच डाब सिलाई करनी ज़रूरी होती है। कपड़े को दबाते हुए ऊपर से सिलाई करना है जिससे कपड़ा जिप में नहीं फंसेगा। इस तरीके से हमें किनारे किनारे सिलाई करनी है। दोनों साइड प्रेस स्टिच कर लेंगे। मैंने प्रेस स्टिच कर ली है। अब पीछे हमें पॉकेट लगाना है। इसे चारों साइड से सिलकर पॉकेट बना लेंगे। आप चाहे तो इस कपड़े में भी हम पॉकेट बना सकते हैं। जो पॉकेट हमने दूसरे साइड लगाई है वो इस लाइनिंग में हम लगा सकते हैं। तो दोनों साइड पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। अब हमें बेल्ट बनानी है। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसे हम बैग के लिए बेल्ट बनाएंगे। आप चाहे तो किसी मैचिंग प्लेन कपड़े की भी बेल्ट बना सकते हैं। इसकी लंबाई लगभग 22 इंच है। इसी साइज की हमें 2 बेल्ट बनानी है। कपड़े की चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है। इसे फोल्ड करके दोनों साइड से फोल्ड करेंगे, फिर बीच से फोल्ड करके दोनों किनारों पर सिलाई कर लेंगे। दोनों बेल्ट बन गई है। अब हमें बैग का सेंटर मार्क कर लेना है। सेंटर पर मार्क करेंगे दोनों साइड बराबर दूरी रखते हुए। करीब 3 इंच की दूरी मैंने रखी है और यहाँ पे हमें स्ट्रैप को रखते हुए सिलाई कर लेना है। दूसरे स्ट्रैप को हमें बैग के दूसरे साइड सिलाई कर लेना है।
बैग में बेल्ट लग गई है। अब हमें एक जिप लेकर यहाँ रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई करेंगे। जिप लगाने के बाद हम कपड़े को नीचे रखते हुए ऊपर से प्रेस स्टिच कर लेंगे, जिससे जिप अच्छी तरह से बैठ जाएगी और कपड़े में नहीं फंसेगी। बैग का जो दूसरा पार्ट है, हम जिप के दूसरे पार्ट के ऊपर रखेंगे, स्ट्रैप को अंदर रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई करके जिप लग गई है। अब बैग को उल्टा कर लेते हैं। दोनों किनारों पे हमें सिलाई करनी है, दूसरी साइड भी सिलाई कर लेंगे। साइड में सिलाई हो गई है, अब हमें जो कॉर्नर हमने कटिंग की है उसकी सिलाई करनी है। इस तरीके से दोनों साइड को मिलाते हुए सिलना है, इस तरह से पकड़ कर दोनों को मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। ये देखिए बैग का बेस बन गया है। अब चाहे तो आप इसके जो किनारे हैं उसके ऊपर पाइपिंग लगा सकते हैं, जिससे अंदर से भी बैग साफ और सुंदर लगेगा। बैग को सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए बैग बनकर तैयार हो गया है। बहुत सुंदर ये बैग लग रहा है। इसमें हम काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। आपके पास कोई पुरानी कुर्ती हो या बच्चों के कपड़े, स्कर्ट वगैरह हो, तो उससे भी ये बैग बन जाएगा। ये देखिए इसमें काफ़ी बड़ा पॉकेट है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।